अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और आज है हमारा माशाल्लाह से जो है चौथा रोज़ा पूरा हो गया, उसकी जो है मैं बना रही थी अफ्तार। तो अफ्तारी की तैयारी जो है मैं कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि आज जो है मैंने अफ्तार में क्या कुछ बनाया है। बहुत से यूट्यूबर हैं, सब जो है सहरी और अफ्तारी लगाते हैं, तो मैंने कहा चलें जो मैं कुछ बनाती हूँ अपने लिए अफ्तार में या सहरी में। सहरी में तो मैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं बनाती, अफ्तार में फिर भी जो है कुछ एक से दो डिशेस जो हैं बन ही जाती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोज़े जो हैं बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, आप भी कमेंट्स में बताएँ आपके रोज़े किस तरह गुजर रहे हैं। तो यहाँ जो है आज मैं बना रही थी समोसे, और समोसे जो है फिलिंग मैं भी आप को जो है बताती हूँ मैं किस तरह बनाया है। उससे पहले जो है मैं डो बना लेती हूँ। डो बनाने के लिए जो है यहाँ मैंने एक कप मैदा ले लिया था, और उसमें जो है थोड़ा सा बिल्कुल मैदे के हिसाब से आप जितना लें उसके हिसाब से नमक ले लिया था, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया था, और थोड़ी सी जो है इसमें चुटकी सी जो है मैंने अजवाइन डाल ली थी। अब इसको जो है मैं अच्छा सा गूंद लूँगी, भून के, और इसको जो है मैं कवर करके रख दूंगी जब तक जो है इसकी मैं बना लूंगी फिलिंग। और फिलिंग जो है मैं आज जो है चिकन की बना रही हूँ। चिकन कीमा जो है मैंने लिया था, तो साथ साथ आज जो है सालन में मैंने बनाई थी भिंडी। बहुत दिल चाह रहा था कि आज भिंडी बनाए, तो फिर मैंने आज जो है थोड़ी सी भिंडी बना ली थी। आपको पता है रमज़ान में इतने रोटी सालन तो नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी जो है सहरी के लिए कुछ ना कुछ सालन बनाना ही पड़ता है, तो मैंने बना ली थी भिंडियाँ। भिंडियाँ बहुत ही मज़े की बनी थी। ये रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी भिंडी बनाने की। और फिलिंग के लिए जो है मैंने तमाम सब्ज़ियाँ जो है इनको कद्दूकश कर लिया था, जिनमें बंद गोभी थी, गाजर और शिमला थी, और साथ जो है हरा प्याज जो है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था। चिकन कीमा मैंने ले लिया था, शायद तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा कम है, थोड़ा सा ही मैंने ले लिया था। और इसको जो है मैंने बग़ैर ऑयल के जो है पैन में डाल लिया था, और इसको अच्छा सा थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैंने पका लिया था। उसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च और सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस इसमें थोड़ा सा जाएगा, इससे जो है बहुत अच्छा सा जो है जायका आ जाता है समोसों में, या आप किसी भी फिलिंग में, रोल पट्टी में, जिसमें फिलिंग में भी आप इसको डालेंगे तो इससे जो है बहुत अच्छा सा जो है टेस्ट हो जाता है। तो चिकन कीमा जो है वो एकदम शिलिंग सा हो जाता है, जुड़ सा जाता है। इसको जो है फिर मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद और यहाँ इसमें जो है मैंने और स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें कुटी लाल मिर्च है, भुना कुटा जीरा है, धनिया है, ये भी मैंने साथ डाल दिए थे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। तो इसका पानी खुश्क होने तक थोड़ा सा मैं बना लूंगी, और फिर जो है ये शिलिंग सा हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो उसके लिए फिर इसको जो है मैंने, जिसे हम आलू मैश करते हैं, उस मैशर की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा जैसे अलग अलग कर लिया था। तो जो इसके जो फिलिंग है वो तो मैंने खुद बनाई है, लेकिन जिस इसकी मैंने जो समोसा डो मैंने जो बनाई थी, वो मैंने जो है एक बहुत ही अच्छी हमारी यूट्यूबर है ज़किया देहली के नाम से उनका चैनल है, तो उसके जो है उनको मैंने बनाते हुए देखा था कि बहुत ही कम वक्त में जो है हम बहुत ही आसानी से जो है ये इस तरह जो है फिलिंग जो है समोसा पट्टी बना लें, या जिस तरह उन्होंने बनाया था, तो उनका देख के जो है मैंने ये पट्टी बनाई थी। तो अब फर्स्ट टाइम बनाई थी, थोड़ी अच्छी बन गई थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने बनाई थी उस तरह परफेक्ट नहीं बनी थी। तो साथ ही इसमें जो मैंने हरा प्याज काट के रखा था बारीक सा, वो डाल दिया। और जो हम फिलिंग बनाते हैं उसको एक अच्छा सा जो है मिक्सचर बनने के लिए, ताकि वो इधर उधर फैले ना, उसके लिए इसमें जो है मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है घोल के वो मैंने डाल दिया था, उससे जो है फिलिंग बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो ये भी एक छोटी सी टिप है जो मैंने आज यूज की थी। तो फिलिंग जो है बहुत ही अच्छी और मजेदार बनी थी, इसमें जो है बहुत अच्छा सा जो है
एक सारी सब्जियों की और चिकन की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा जो है इसका अरोमा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत अच्छे जो हैं ये बनेंगे। रोल समोसा कह लें, मैंने तो इन्हें बच्चों को कहा था कि ये जो है आज मैंने रोल समोसा बनाए हैं, तो साथ मैंने कहा बेसन भी जो है इसको भी मैं बना के रखूं, ताकि ये थोड़ा जो है थोड़ी देर अगर पहले आप बना के रख लें तो पकौड़े जो है बहुत ही मज़े से और नरम से बनते हैं, मज़े के और नरम बनते हैं। बस ये जल्दी जल्दी का शाम का जो है काम होता है, आपको सब काम जो है साथ साथ लेके चलना होता है। यहाँ फ्रूट चाट के लिए मेरे पास जो था थोड़ा फ्रूट था, उसके मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, दही के बगैर बनाई थी। इसमें मैंने जो है मलाई भी नहीं डाली और दही भी नहीं। आज जो है मैंने बिल्कुल सिंपल जो है चाट बनाई थी और चाट मसाला डाल दिया था, साथ ही इनमें जो है मैंने थोड़ी सी चीनी और ये जो है टैंक थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। बहुत मज़ेदार चाट बनी थी ये। वैसे मैं जो है दही वाली चाट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने बिल्कुल ये सिंपल सी चाट जो है फ्रूट चाट बना ली थी। रोज़ जो है एक चीज़ भी जो है एक बगैर जो है पकौड़ों के अलावा एक चीज़ रोज़ नहीं खाई जाती। पकोड़े एक वाइल्ड चीज़ है जो कि रोज़ अफ्तारी में बनते हैं, और ना बने तो ऐसे लगता है जैसे आज जो है रोज़ा ही नहीं है। तो बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो जो है थोड़ा बदल बदल के उनको जो है बनाना पड़ता है। यहाँ मैंने लई बना ली थी, 2 चम्मच जो है मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल के रख लिया था। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना। ऑयल मैंने जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया था कढ़ाई में डाल के, ताकि जो है ये अच्छा सा गर्म हो जाए, जब तक जो है मैं पेड़े बना के और इनकी जो है फिलिंग कर लेती हूँ। तो मैं जो यहाँ जो है छोटे छोटे पेड़ियाँ नहीं बनाऊंगी, एक ही बड़ा सा जो है मैं बड़ी सी रोटी गोल सी बेल के और उसके अंदर जो है इसकी फिलिंग कर लूंगी। और आप मेरे नए देखने वाले जो हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से जो है आप मेरा चैनल देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे व्यूज भी जो हैं अब थोड़े बहुत जो हैं बढ़ गए हैं, तो भी वो एक यूट्यूबर को बस यही खुशी होती है, बस उसको यही होता है कि बस सब्सक्राइब कितने हुए, व्यूज कितने हुए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये जो है मैंने ये मेथड जो है YouTube पर देखा था, और मेरे पास जो है पिज़्ज़ा कटर नहीं था, तो मैंने स्टिचिंग टूल से जो है काम चला लिया था। अब इंशाल्लाह जो है मैं बाज़ार जाऊंगी तो फिर अपने लिए जो है पिज़्ज़ा कटर लेकर आऊँगी। तो इस तरह जो है बड़ी सी जो मैंने रोटी बेली थी उसके ऊपर जो है मैंने टूल से निशान लगा लिए थे। निशान सा आपको जो है वाजे नज़र नहीं आ रहे, जैसे जैसे जो है मैं ये फिलिंग रख रही हूँ उसी हिसाब से जो है ये निशान है इसके ऊपर। तो वह जैसे अभी आपको जब मैं आगे बनाऊँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो है ये मैंने निशान लगाए हैं। जिस तरह पिज़्ज़ा कट होता है बिल्कुल इसी तरह जो है मैंने इस टूल से इसके ऊपर जो है निशान लगा दिए थे। और कम वक्त में जो है ये ज़्यादा काम हो जाता है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि बस कम वक्त में जो है आप एक एक छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और फिर उनको बेलेंगे, फिर उनमें फिलिंग डालेंगे समोसों की या रोल की, तो उससे जो है ये एक बहुत ही आसान सा तरीका जो है हमें मिल गया है। तो इससे बहुत अच्छे बन गए थे। अब नाम क्या है इसको मैं दूँ, समोसा रोल कह दूँ या समोसा पट्टी रोल, जो वैसे मैंने इसको जो है मैंने कहा ये समोसा रोल है। तो बाहर बच्चों का आपको शोर नजर आ रहा होगा, गली में जो है बच्चे खेल रहे हैं, उनकी जो है आवाज बहुत ज्यादा जो है कमरे में आती है। हालांकि खिड़कियां भी जो है मैंने बंद की हुई है वॉइस ओवर करने के लिए, लेकिन फिर भी आवाज जो है बहुत ज्यादा इनकी आती है। तो आपने मेरे जो पहले वाली मैंने लगाया था चैनल पे अपने
अलकरम गली का, तो वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम व्यूवर्स का, जो मेरे जो है अब यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो एक जो है मैंने पट्टी आपके सामने बनाई थी, एक जो है मैंने उसके बाद बना ली थी, उनको जो है मैंने फ्रीज कर लिया था, थोड़े से जो है मैंने तल लिए थे। मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए जो है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं, बस अब आपको क्या ही बताऊं मैं। लेकिन मैं कोशिश बहुत करती हूँ आपके लिए जो है अच्छी वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह चले देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ जो है हमारे चैनल का भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पे मैंने जो है अपनी उम्मीद लगाई हुई है, तो अल्लाह किसी को भी जो है ना उम्मीद नहीं करता, बंदे करते हैं, अल्लाह नहीं करता। तो यहाँ जो मैंने लेसी बनाई हुई थी वो मैंने सात साइडों पे लगा ली थी ताकि निकले ना फिलिंग, और बहुत अच्छे बन गए थे, कोई फिलिंग नहीं निकली थी। ऑयल आपको बिल्कुल साफ जो है नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे जो है ये बन के तैयार हो गए थे, मज़ेदार भी बहुत थे। साथ ही जो है मैंने इनको बना के इनके बाद जो है इसी ऑयल में मैंने पकोड़े निकाल लिए थे। और आप सबके रोजे कैसे गुजर रहे हैं मेरे तमाम व्यूअर जो है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो साथ इसके मैंने बना ली थी चटनी दही वाली और केचप रख लिया था। तो इंशाल्लाह कल जो है फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, इफ्तार की या सहरी की रूटीन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में कीजिए याद। अल्लाह हाफिज़।